हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं विजय मौर्य और आप सबका मेरे इस नए ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। आज मैंने एक और चीज़ अमेजोन से ऑर्डर किया हुआ था, मेरे इस मोटो ब्लॉग को और अच्छे से सेफ तरीके से कर सकूँ, उसके लिए मैंने कुछ गियर्स ऑर्डर किए थे जो कि आज फाइनली आ गया। दोपहर में आया था, उसको मैंने किसी और से पिकअप करवा लिया था क्योंकि मैं उस टाइम अवेलेबल था नहीं। तो मैं शाम को आया जॉब पर से, तो मैंने उनसे रिसीव किया एंड देन अब मैं उसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। एंड ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। एंड जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बने रहिए मेरे इस चैनल पर। अनबॉक्सिंग, तो अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। ये है राइनॉक्स, राइनॉक्स का निगार्ड है। तो अब इसको ओपन करते हैं, ओपन करके देखते हैं कि कैसा है, इसकी क्वालिटी कैसी है। कुछ ये ऐसा दिखता है। अब इसको मैं एंड राइनॉक्स का वो नी गार्ड के अलावा मैंने एक और चीज़ मंगाया था, राइडिंग के जैकेट। तो वो एक्चुअली में दो तीन दिन पहले ही आ गया था, तो उसका ये दो तीन दिन पहले ही आ गया था तो इसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो शूट किया हुआ था तो वो, बट मैंने किसी को इसके साथ शेयर नहीं किया। तो उसका क्लिप भी मैं इसके अंदर डाल दूंगा अनबॉक्सिंग के टाइम का, जब मैंने उसका एक छोटा क्लिप ही बनाया था, प्रॉपर अनबॉक्सिंग नहीं किया था। तो बट आज के इस वीडियो में भी मैं इसको आप सबको दिखा देता हूँ। ये राइनॉक्स का राइडिंग जैकेट है, मीडियम साइज़ है मेरा। इसमें शोल्डर के लिए भी ये अंदर से ऐसा दिखता है, ये प्रोडक्ट प्रोडक्शन के लिए, इसको शोल्डर प्रोडक्शन के लिए एंड ये चेस्ट प्रोडक्शन के लिए एंड ये एल्बो प्रोडक्शन के लिए। तो इसमें सब जगह से है एंड बैक साइड में भी यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए पूरा प्लेट लगा हुआ है। ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, तो ये पूरा बैक साइड हमारा प्रोटेक्ट करता है। और ज़्यादा तो इसकी खूबियाँ मुझे नहीं पता है, नॉर्मली जितना पता है ये उतना मैंने आप सबके साथ शेयर किया फ़िलहाल। तो अगर मैं फ्यूचर में किसी एक्सपीरियंस पर्सन से मिलूंगा जिसको इन सब चीज़ों के और ज़्यादा नॉलेज हो, तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगा। और ये हो गया फाइनल पूरा सेटअप राइडिंग के लिए। और इसके ऊपर बस एक हेलमेट यूज़ करना बाकी है, वो तो राइडिंग के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, बाकी ओवरऑल सेटअप पूरा रेडी हो गया। तो राइडिंग अभी ज़्यादा सेफ होगी और ज़्यादा अच्छे से होगी। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।